तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का ब्लॉग ना काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड ब्लॉग था, क्योंकि जब से मैं वीडियो डाल रही हूँ सब लोग वही कमेंट करे कि मैम प्लीज हुड़दंग कब जाओगे, हुड़दंग कब जाओगे। इतने सारे मेल्स मैसेजेस डीएम्स आ गए कि मैं फाइनली आज हुड़दंग आके पहुंच गई हूँ। और ये आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, मैं अभी जस्ट उसके रूफटॉप में हूँ। सो गाइस फाइनली आज की वीडियो में बने रही है क्या, क्योंकि राउरकेला में ऐसे बहुत ही प्यारे से एंड न्यू प्लेसेस खुला है। ये ओडिशा का बिगेस्ट पब होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग्जरियस प्लेस ना लिटरली कहीं भी नहीं है। मैं तो ऑलरेडी घूम ली, मुझे बहुत मजा है। लिटरली मैं बोलूँ ना, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग देख के ना लिटरली फैन हो जाओगे कि कितना प्यारा सा जगह है। और मेन्यू दिखाऊंगी, फूड वगैरह कैसा है रिव्यू करके बताऊंगी, फुल्ली एम्बियंस आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बने रहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी जस्ट खड़ी उसके एंट्रेंस पे और इसका लोकेशन है जस्ट नेक्सस शोरूम के ऊपर में। मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन वगैरह और इफ पॉसिबल होगा तो फोन नंबर वगैरह भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ एम्बियंस कैसा है। ये देख लीजिए, ये है उसका एंट्रेंस। यहाँ पे बहुत ही प्यारे नियॉन पिंक और ब्लू लाइट्स है और यहाँ पे है मिरर और ये मैं ब्लॉक कर रही हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। यहाँ से आपको अंदर जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है हकुना मटाटा, मतलब ऑल इज वेल। और यहाँ पे भी लाइक आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं। इसका एम्बियंस जो है ना काफी प्यारा है, जैसे आप एंटर करोगे ये देख लो काफी लग्जीरियस चीजें बनाए गए हैं। और यहाँ पे भी दो इनको वो जो पिरामिड टाइप का रहता है ना वो सब है, मुझे भी एग्जैक्टली बस फिर इधर से अंदर जाना है। चलिए चलते हैं अंदर। और फिर जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे यहाँ पे भी लाइक बैठने के लिए प्लेसेस है। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये एक बहुत ही प्यारा सा लाइक फोटोज आप लोग यहाँ पे भी क्लिक करा सकते हैं। ये भी एक्चुअली मैं दिन में आई हूँ, रात में आप लोग आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स है। और वो एक रूम है वहाँ पे किटी पार्टी वगैरह करा पाएंगे। ये भी एक बहुत प्यारा टाइगर का एक प्रिंट बनाया गया है। और फिर चलते हैं अंदर। ये है अमेजन लाउंज, देखते हैं अंदर क्या क्या है। गाइस ये देख लीजिए, इसका जस्ट ऊपर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा है, लाइक आप लोग नाइट में आओगे ना बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल प्रिंट का किया गया है, प्रिंट मतलब वॉल डेकोरेशन। और यहाँ पे टेबल्स चेयर लगे हैं, मतलब यहाँ पे और उस रेस्टोरेंट में इतना डिफरेंस है, बस वहाँ पे डीजे बजेगा और यहाँ पे डीजे का हल्का सा थोड़ा सा साउंड आने वाला है। और यहाँ पे आप लोग बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। तो आप लोग ना यहाँ पे भी बैठ के अपना फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो बस यहाँ पे। और अंदर में लाइक आप लोगों को डीजे रहेगा और डीजे का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हर फ्राइडे सैटरडे संडे डीजे अवेलेबल्स है। और कपल्स भी 1000 रुपीज़ है और सिंगल भी आओगे तो 1000 रुपीज़ है। और एंट्री है वहाँ पे, आप लोगों को टिकट्स वगैरह मिल जाएगा। बुकिंग इवनिंग से हो रहा है और डीजे 11 o'clock तक रात में हो रहा है। और बाकी नॉर्मल डेज में म्यूजिक चलेगा, हल्का फुल्का म्यूजिक चलेगा। तो ये वाला जो है ना ये है अमेजन लाउंज, तो यहाँ पे भी बैठ के आप लोग फूड एंजॉय कर सकते हो। अंदर तो भी चलेंगे और रूफ टॉप भी दिखाऊंगी धीरे धीरे, ब्लॉग में बने रही है। बहुत ही प्यारा एम्बियंस है और ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, आप लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक कराओगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो चले अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे भी आप लोग बहुत प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करा सकते हो। और यहाँ पे भी बैठने के लिए प्लेस है, इधर भी बैठने के लिए प्लेस है। और नाइट में आओगे ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें चल रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो वाइब है ना वो ज्यादा पब में नाइट में मजा आता है, बट जस्ट बिकॉज मुझे अपना प्रोफेशन पैशन सब कुछ मेंटेन करना है तो मैं दिन में आ गई थी। और इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे कि लोग, मैं आप लोगों के लिए ही सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। तो चले अभी चलते हैं अंदर। जैसे आप लोग एंटर करोगे ये रहा जस्ट उसका राइट साइड, ये देख लो यहाँ पे भी बैठने के लिए टेबल्स है। ये बहुत प्रिटी एंड कोजी सा वाइब है, ये देख लो एकदम पेस्टल ग्रीन कलर का बनाया गया है। और ये देख लो मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखा रही हूँ। फिर अगर आप इस तरह पाओगे तो यहाँ पे अंदर है बार, बार में भी बैठ के आप लोग मजे एंजॉय कर सकते हो, बट बार से भी ओपन नहीं हुआ है। ये देख लो इंटीरियर कितना ही प्यारा और कितना ही कोजी सा माहौल है। यहाँ पे मस्त आप लोग फोटोज भी क्लिक करा सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा कॉर्नर है, यहाँ पे भी आप लोग बैठ सकते हो। और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग और एकदम सब सुपर वाइब चीज़ें हैं वो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि ये देख लो एकदम नियॉन लाइट से बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है हुड़दंग, तो ये अच्छे से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। लेट्स ऑफ फन, यहाँ पे भी आप लोग बैठ के डिस्को पब ये सब इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे भी टेबल्स वगैरह है। ये है हुड़दंग का डीजे फ्लोर, जहाँ पे यहाँ पे डीजे वगैरह होता है, जो कि नाइट में मैं ऑलरेडी आप लोगों को टाइमिंग बता दी हूँ, वही सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे को होता है। और यहाँ पे भी आप लोग बैठ सकते हो, टिकट वगैरह का भी बता दी मैं प्राइस। और ये जस्ट वो बार है यहाँ पे जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है, मॉकटेल्स वगैरह भी अवेलेबल्स है। मेन्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और क्या क्या अवेलेबल है ट्राई करके भी दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए, ये बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे जागवार का एक लोगो लगाया गया है। ये एक कॉर्नर है, लाइक यहाँ पे भी टेबल्स वगैरह है, आप लोग बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। और इधर भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी एकदम विंडो व्यूज़ है, आप लोग बैठ के मस्त इंजॉय कर सकते हो। ये देख लीजिए, चलते हैं ऊपर जो कि रूफटॉप में है और दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे चलिए चलते ऊपर,
और फिर दिखाती हूँ कि रूफ टॉप में क्या क्या है। वहाँ पे भी बैठने के लिए बहुत ही एस्थेटिक सा वाइब आपको आ जाएगा। यहाँ पे हुड़दंग का यहाँ पे देख लीजिए लोगो लगाया गया है, और फिर ऊपर से ये माहौल देख लो, मतलब कितना ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। रात में बहुत अच्छा लगने वाला है, लाइटनिंग बहुत प्यारे है, नियॉन लाइट्स है। ये भी टेबल्स है, बैठ के आप अपना फूड इंजॉय कर सकते हो, और ऊपर में बैठने का कोई चार्जेस नहीं है। मैं मिस कर रही हूँ कि मैं दिन में क्यों आई, नाइट में आती तो और प्यारा लगता, बट एनीवेज आप लोग नाइट में आके इंजॉय करना, मैं तो बस आप लोगों के लिए ब्लॉग करने आई हूँ। और यहाँ पे बहुत कोजी सा फील हो रहा है मेरे को, मतलब इतना प्यारा लग रहा ना। अभी देखो रूफ टॉप कितना प्यारा लग रहा है, ये सब जो डिज़ाइन है लाइट्स के, और ये रूफ टॉप जब शाम को आप लगाओगे यहाँ पे बैठोगे और रूफ टॉप में बैठ के अपना कॉफी इंजॉय करोगे, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं लिटरली सोच रही हूँ कि मैं दिन में क्यों आ गई यार, अगर मैं नाइट में आते ना काफी मजा आता मुझे भी, बट क्या करे मेरा भी काम है। बट आप लोग डेफिनेटली आइए यहाँ पे, इंजॉय कीजिए फूड और जो रूफ टॉप का जो मजा है, स्पेशली यहाँ का जो लाइटनिंग, जो नियॉन लाइट्स है, जो एम्बियंस है, वो बहुत प्यारा, लाइक लिटरली बोल रही हूँ ओडिशा में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया अभी तक के। तो चलिए अभी देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। मैं तो आप लोगों को टोटली एम्बियंस दिखा दे, लाइक इसका चार पार्ट है। जैसे ही आप लोग एंटर करोगे ये एक पार्ट है जहाँ पे मैं बैठी हूँ, और ये देखो बाहर, मतलब अंदर बैठ के आप लोग बाहर का व्यूज बहुत ही प्यारा से इंजॉय कर सकते हो। और नाइट में जब आओगे ना, मैं बार बार वही चीज़ बोली और आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग नाइट में आओ, दैट के आप लोग यहाँ का व्यूज प्रॉपरली इंजॉय कर पाओ। और अभी स्कैनर यहाँ पे आप स्कैन करोगे तो आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा, तो मैं देखती हूँ मैं क्या फूड आज ऑर्डर करूँगी एंड क्या ट्राई करूँगी आज। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप लोग एंटर करोगे ना, ये एक पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा, और एक अमेजन लाउंज है वहाँ एक पार्ट मिल जाएगा, और वहाँ पे किटी पार्टीज करने के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा। लाइक पर पर्सन 700 और 800 बुकिंग्स वगैरह है, जैसे 10-15 लोग आएंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों को होल ही एम्बियंस बुक करना है, तो सर ऐसे बोले थे कि अगर 100 प्लस लोग होंगे देन ये बुक हो सकता है, ठीक है ना। ईच पर्सन 600 और 700 ऐसे होके, एक ये वाला प्लेस है और एक ऊपर है जो कि मैं आप लोगों को रूफ टॉप में दिखाई, एक अमेजन लाउंज है 3, और एक जस्ट बाहर आप लोगों को मैं दिखाई वो जो लियोपार्ड बनाया गया है, जो टाइगर का फोटो है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेक्निकली इसका चार पार्ट में डिवाइडेड है, आप लोग कहीं पर भी आके बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। एंड मॉर्निंग में ये ओपन होता है लाइक 12:00 से रात के 11:30 तक के, और बार अभी खुला नहीं है। बहुत लोग मुझे पता है कमेंट्स करेंगे बार खुलने में अभी टाइम है, बस अभी मॉकटेल्स फूड अलाउड है। और यहाँ पे है डीजे फ्लोर, जो पीछे में मैं आप लोगों को दिखाई बॉक्सेस लगा है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे डीजे फ्लोर आप लोगों को मिल जाएगा, 1000 रुपीज का टिकट है सिंगल और कपल्स के, और बाकी दिन नॉर्मल म्यूजिक चलेगा, तो बाकी के डेज भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अभी खाना ऑर्डर कर। तो गाइस स्कैन करने के बाद आप लोगों को मेन्यू मिल जाएगा, यहाँ पे वेज नॉन वेज। तो आज तो मैं वेज ही खाऊंगी, तो ये देख लो वेज का प्राइजेस वगैरह। अभी सब कुछ तो आप लोगों को मैं डिटेल्स में नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी बड़ा मेन्यू है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को सूप सैलड ब्रंचेस गार्लिक ब्रेड और वाइट्स पिज्ज़ा वाउस सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, तो मैं टेक्निकली लंच ही कुछ ऑर्डर करती हूँ, तो देखते हैं मैं क्या ऑर्डर करूँगी। मैं अभी ऑर्डर की हूँ जीरा राइस और कढ़ाई पनीर, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ भूख भी नहीं है, और मुझे मैं आज अलग काम से भी आई थी, 0 डिग्री का थोड़ा बहुत रील वील शूट भी करना था। तो मैं आप लोगों को प्राइस वगैरह बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो अभी वेट करते जब फूड आएगा फिर आप लोगों को खा के दूंगी रिव्यू। मैं 2 मॉकटेल्स ऑर्डर की थी, तो ये दोनों तो आ चुका, दोनों का नाम बहुत ज़्यादा टफ है, तो रुके मैं पूछ के बताती हूँ, एक ये है और एक ये है। तो पहले फूड तो अभी ऑर्डर की थी मैं जीरा राइस और पनीर, जैसे कि मैं बताई थी। तो भैया इसका क्या नाम बताया? इसका नाम है क्लासी पीपल और इसका नाम है सेफ सेक्स ऑन द बीच। तो अभी देख के ट्राई करके कि कैसा लग रहा है। इसमें क्या क्या डाला है? अच्छा, तो गाइस इसमें सारे फूड्स का भी बना है। और ये वाला इसमें क्या डाला है सर? दोनों ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं अभी फटाफट अपना ये सब ड्रिंक्स मतलब कंप्लीट करती हूँ, देन आप लोग से मिलती हूँ। थोड़ा सा ना चेंजेस, एक्चुअली मैं राइस और जो पनीर कढ़ाई पनीर ऑर्डर की थी एक्चुअली लेट भी हो रहा था, और मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं था क्योंकि 2 मॉकटेल्स पीने के बाद ना लिटरली मुझे भूख नहीं था। तो मैं ऑर्डर कर दी पनीर चिली जो कि आ गया है, पहुँच गया है। तो चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ये रहा पनीर चिली, देखने में तो काफ़ी एकदम टेस्टी और टेम्पटिंग सा दिख रहा है। अरे ऑलरेडी 1 मॉकटेल मैं पी ली, अभी यहाँ पे बैठ के ट्राई कर रही हूँ और एकदम ये जो एम्बियंस इंजॉय कर रही हूँ। चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं पनीर चिली, यहाँ का फूड कैसा है। एकदम परफेक्ट बना है, ज्यादा नमक नहीं है, तीखा नहीं, एकदम सही बना है। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँ कि पनीर चिली डेफिनेटली आकर ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर। और ये 300 का था, ये
चलिए फटाफट मैं अभी अपना मॉकटेल्स और पनीर चिली कंप्लीट करते हैं, आपको तो जल्दी मिलती हूँ। गाइस ये थे डिटेल अबाउट द हुड़दंग का ब्लॉग, और मुझे तो एम्बियंस बहुत ही अच्छा लगा देख करके, और फूड भी बहुत ही अच्छा था। तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग यहाँ पे आइए और शाम को घूमिए, और यहाँ का एम्बियंस बहुत ही प्यारा है। और मैं रेकमेंड मोस्टली यही करूंगी कि शाम को यहाँ लाइक इवनिंग को, ताकि आप लोग यहाँ का जो मतलब लाइटनिंग का जो इन्जॉय कर पाओ। और बाकी चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।